आज के ब्लॉग के लिए हम रेडी हैं। थोड़ा देख के आपको लग ही रहा होगा कि आज का ब्लॉग किससे रिलेटेड होने वाला है, तो लेट्स गो। आज का हमारा सीन था फोटोशूट करने का, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया, काफी मसले आ गए बीच में। हम वहां पर गए जो डोम दिख रहा है गैस, और हमने ना चार गेट, हाँ, चारों जगह पूछ लिया कि किसी गेट से तो एंट्री मिल जाए। सबने बोल दिया अभी बंद है यार। लोग बोलने बहुत हंसते यार व्लॉग में, क्या कहना है, क्या सीन है? फिर सीरियस व्लॉग बनाए, सीरियस व्लॉग बनाना चाहिए। धूप आ रही ना, सीरियस व्लॉग बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं हंसना चाहिए या बिना हंस के व्लॉग वाला चैलेंज कर लेते हैं। हम छत पे देख रहे थे कुछ अच्छा सा फोटोग्राफी सीन बन जाए, बट कुछ बना नहीं। ब्लूपर्स में डालेंगे ब्लूपर्स। ये देखिए कितनी सारी पतंगे आ गई है। ये कहाँ से लूट के लाए? लूट के नहीं लाए हैं, खरीद के लाए। बताओ भाई कौन सी उड़ा ली, चूज कर लो कुछ तो बताओ। ब्लैक चूज कर ले, ब्लैक। हाँ ये सही है यार, ये वाली सही लग रही है, ये वाली उड़ाते हैं। ओ अरे उड़ गई भाई सारी पतंगे तुम्हारी। और ये हमारा ट्राइपॉड अभी तक आराम कर रहा है उधर कोने में टोपी पहन के। मतलब कितने साल पतंग उड़ाने जा रहे हो भाई? प्रोफेशनली तो हमने प्रोफेशनली प्रोफेशनल काइट फ्लायर, काइट फ्लाइंग तो नहीं करी है, पर हाँ 10-12 साल तो आराम से। मतलब स्कूल के टाइम पे उड़ाया है? जब छोटे थे तो। छोटे एज इन छोटे? इतने छोटे ऑब्वियसली, जब स्कूल में ही रहते तो आज ही उड़ाएंगे। इसमें क्या है, सब्जी है? ये मंजा है। मंजा नहीं चाहिए। मंजा सब्जी में क्या डिफरेंस होता है? ये अरे ये पकड़ना उड़े आएंगे नहीं तो। क्या काटने के लिए होता है? पतंग। किससे काटते हैं पतंग? पतंग पतंग से काटे जाते हैं, पेच। अच्छा पेच लगाए जाते हैं। ये दो तरह के धागे होते हैं जिनसे काइट फ्लाइंग होती है। ये होता है सद्दी, ये होता है मंजा। सद्दी इज नॉर्मल थ्रेड, मंजा इज पतंग चाइनीज वाला, चाइनीज वाला। नहीं नहीं नहीं, वो काटने के लिए होता है पतंग, और इसमें कांच की कोटिंग होती है जिससे कि धागा ये वाला आराम से कट जाता है। और जब ये दो लोग लड़ाते हैं मंजे से तो फिर कौन कटेगा, तो फिर वो प्रोफेशनलिज्म सामने आता है कौन कितना अच्छा है काटने में। तो अभी हम धागा बांध रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्या बांध रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? हां अरे कन्ना, अच्छा कन्ना, सॉरी यार मैं खुद भूल गया हूँ। तो इसको कन्ना बोलते हैं, और इसमें अपना धागा ऐड कर दिया। हवा टेस्ट कर रहा हूँ। ये ना प्रोफेशनल तरीका है हवा टेस्ट करने का, दिखाइए जरा एक बार। अभी ये छुरैया देते हुए ओहो पहला ट्राई, गिरेगी उड़ेगी क्या लगता है? नहीं उड़ेगी भाई, नहीं उड़ी भाई। यार कैसे उड़ा रहा तू, ये देखो ये देखो। यार तू उड़ा लेता यार, 10 साल का एक्सपीरियंस लगता तेरे को। तू झूठ तो नहीं बोला था, तू झूठ बोला था भाई स्टार्टिंग में, लगता है मेरे को। ये दिखाना ये। अरे ये ज्यादा प्रोफेशनलिज्म की, और इनकी पतंग अभी ओ भाई वहां पे अटक चुकी है। तो भाई आपको क्या कहना है, थोड़ा ज्यादा दिखाने के चक्कर में ना पतंग घुस गई। ये देखो अभी फिर पतंग वापस आ गई है, सेवियर आ चुके हैं पतंग बचाने। कैसा लग रहा आपको पतंग बचा के बताइए? देखिए मैं आपको कैसा लग रहा आपको पतंग बचा के? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा था, ये ये, ये। अरे 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 ओ नहीं नहीं ये अभी स्टंट, ये दिखाना चाह रहा था, ये देखिए अभी। लेकिन तुम्हारे में तो कांच लगा है ना? इसमें नहीं कांच है। ओह इसमें कांच नहीं है। फाइनली माले की पतंग एक बार में उड़ गई, ये जो हम सोचे शायद ना उड़े, बट इन्होंने
उड़ा लिया भाई। भाई मौसम अच्छा हो रहा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। ए पतंग की फाइट चालू। बड़ी पतंग दांव पे लगी हुई है। अपनी पतंग को बचाते हुए हम साइड में आ गए। उतार दीजिए, आने आ जाता है। ये देखो क्या प्रोफेशनल तरीका लैंडिंग करने का। तो कैसा लग रहा है लैंड करके? ज्यादा तेज है ना। लैंड करके कैसा लग रहा है आपको? सही लैंडिंग है, फर्स्ट टाइम के हिसाब से सही है। ओ भाई इतनी अच्छी पता है, इतनी अच्छी पता है, इतनी अच्छी। इस बार मेरी पतंग एटलीस्ट ये छप्पर के ऊपर जाएगी। होप सो। चलो ऑब्वियसली। अरे 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 भाई। ओ क्रैश लैंडिंग, क्रैश लैंडिंग। अभी मैंने ना बहुत एक्सपर्ट तरीका निकाला है। पतंग मेरे से जीरो से नहीं उड़ी ना, तो अब की मैं 20 से ही उड़ाऊंगा पतंग। तो अभी ये मेरे को उड़ा के देगा पतंग, उसके बाद मैं इसे छीन लूंगा। अगर हम एंटमैन होते ना भाई, तो मस्त इस पतंग में बैठ के उड़ भी सकते थे। क्या बोलता है भाई यार, बहुत मन कर रहा है पतंग दिखे उड़ने का। पतंग तो उड़ाई नहीं जा रही तुमसे। मेरे पर्सनल जो हैंडल है उसमें मैंने लगभग एक साल से कुछ पोस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं उसको फोटो नहीं पोस्ट करने की। मेरे पे भी भाई। क्योंकि आजकल भाई को बहुत से ऑफर आ रहे हैं। ऑफर आ रहे हैं और भाई को फोटो भेजने के लिए नहीं है। क्यों? कहाँ कहाँ से ऑफर आ रहे हैं? ये तो तुम्ही को पता होगा, तुम बता रहे। मैं मैनेजर हूँ। हम छत पे आए, पतंग उड़ाई। हाँ। बहुत टाइम बाद काफी अच्छी उड़ गई, बट भाई की नहीं उड़ पाई। इनको हम उस्ताद नहीं बना पाए पतंग उड़ाने। मैं प्रो प्लेयर हूँ तरीके से। मेरी तो खैर उड़ गई थी काफी अच्छी, तो इसके लिए ये मेरा अवार्ड है तुम्हारा। ये मेरा इनाम है पतंग अच्छा उड़ाने का। और उसके बाद फिर हमने छत पे थोड़ा बहुत फोटोशूट किया, थोड़ा बहुत फोटोशूट किया है। एक दो फोटोज बहुत सारी खींची, बट एक दो ही सही आई, क्योंकि फ्रेम ज्यादा थे नहीं हमारे, बैकग्राउंड सही नहीं आ रहा था। बस इतना ही है इस ब्लॉग में। सब्सक्राइब सब्सक्राइब ओनली इफ यू लाइक। भाई जबरदस्ती हम नहीं करते। अगर हंसी, अगर एक बार भी हंसी आई ना, तो प्लीज एक बार भी हंसी आई तो सब्सक्राइब करना बनता है। हाँ। इतना तो बनता है। हाँ। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। मेहनत लगती है। अच्छा एक चीज दिखा दो अभी ना, मेरे ना अपने डीपी अब तक चेंज नहीं किया है, तो वो किसने चेंज नहीं की? मैं आलसी हूँ इसलिए, या चैलेंज का डेडिकेशन, या गोपी बहन पसंद आ गई है। देखो दो ऑप्शन देते हैं, ठीक है। या तो मेरा डेडिकेशन था इतना अच्छा कि मैं डीपी तो चेंज नहीं की, या तो मैं आलसी था। छोड़ दें ऑडियंस पे क्या बोलते हैं वो लोग।